आज के डेट में अगर आप प्ले स्टोर में एप्स डालकर छोड़ दिया तो फिर आप जिंदा नहीं बच पाएंगे। मतलब आपका प्ले स्टोर में वो एप्स ही नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा हर रोज़ का पॉलिसी चेंज होता रहता है गूगल प्ले स्टोर का। तो यहाँ पे जैसे नवंबर 2019 में जो अपडेट्स आया था, इसको थोड़ा बहुत तो समझा दूंगा। एंड उससे पहले मैं मिसलीडिंग क्लेम्स का जो मेन पॉलिसी है उसका ऊपर थोड़ा सा आप लोग को चर्चा करूंगा, जिसका वजह से आप लोग का एप्स रिजेक्ट हो जाता है। एंड अगर आप लोग एप्स को अपडेट नहीं करेंगे तो किसी ना किसी कारण का वजह से आपका एप्स प्ले स्टोर में नहीं रहेगा। तो घुमा फिरा की बात है कि उसका जो पॉलिसी को जानना चाहिए, उसका अकॉर्डिंग हमें अपडेट करना चाहिए, है ना। तो इस बात में वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं इसको सब्सक्राइब करिए। चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो है मिसलीडिंग क्लेम्स का बारे में। यहाँ पे ये पॉइंट्स को ओपन किया हूँ, थोड़ा बहुत जानकारी मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ देने के लिए। पहले तो मैं बता चुका हूँ कि भाई गवर्नमेंट का जो सिस्टम था कि हम लोग पहले गवर्नमेंट का मतलब जो साइट को लेकर एप्स बनाते थे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता था, अच्छा खासा अर्निंग्स भी मिलता था। अभी उसका रिलेटेड साइट्स को वो मतलब टोटली बैन ही कर रहा है, आप समझ लीजिए। क्योंकि उसी टाइप का अगर आपका कोई ऑथराइज नहीं है गवर्नमेंट का, तो किसी का ऑथराइज होता ही नहीं है। तो उसी हिसाब से जैसे NIC का नेशनल इन्फॉर्मेशन वो खुद एप्स बना के छोड़ दिया, गवर्नमेंट का भी बहुत सारे एप्स और आ रहा है। इस वजह से आप लोग डायरेक्ट बता भी नहीं सकते कि भाई ये हमारा गवर्नमेंट का ये सर्विसेज से है, आप लोग इसको ऐप को यूज करो, वैसा एप्स भी खत्म हो चुका है, ये समझ लीजिए। एंड यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट का वोटिंग वगैरह सिस्टम था, जैसे कंटेंट जो मतलब लोगों को भ्रम करता है, तो उसी टाइप का एप्स को भी वो खत्म कर चुका है। एंड आपको और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो एप्स है अगर कैटेगरी गलत डाल दिया तो उसको भी रिजेक्ट कर देगा आपका प्ले स्टोर। उसका पहले उसका रिलेटेड एप्स कौन सा कैटेगरी में है उसको देख लीजिए। कैटेगरी को पता करने के लिए आप लोग जैसे कोई भी एप्स ओपन करते हैं, यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि यहाँ पे ये एप्स है उसका जो सोशल का अंदर में है, तो किसी ऐप का किसी और का अंदर में रहता है, यूटिलिटीज से लेकर बहुत सारे एजुकेशन लेकर बहुत सारी चीज़ में रहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड अगर किसी ऐप में आपने बोले कि इससे स्टाटस ऐप मान लीजिए बनाया कि स्टाटस डाउनलोड करता है, या वायरस वाला एंटीवायरस वाला अगर ऐप्स बनाया कि भाई इससे वायरस रिमूव होता है, लेकिन उस चीज़ को अगर इम्प्लीमेंट करने जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो वो एक टाइप का मिसलीड हो रहा है यूजर को, इसी वजह से आपका एप्स भी रिजेक्ट हो जाएगा। एंड आपका मेडिकल या हेल्थ रिलेटेड कंटेंट तो वो तो अलाउड है ही नहीं, क्योंकि आप अगर बताएंगे किसी वीडियो में या किसी मतलब एप्स में कि भाई ये है आप इससे अगर अच्छा चाहते हैं तो ये मेडिसिन लीजिए, ये लीजिए, ये दवाई लीजिए, तो उस टाइप का एप्स भी बंद है। थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हो जो प्राकृतिक है, क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल, तो उस टाइप का, लेकिन जो मेडिसिन वगैरह चीज़ है उसको हम लोग नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो सारा चीज़ हम लोग के लिए हानिकारक होता है इसी वजह से, राइट। एंड जैसे मैंने बताया कि एंटीवायरस वाला ऐप आपका वायरस मतलब रिमूव करने के लिए ही रहता है। अगर आपने किसी ऐप में लिख दिया कि एंटीवायरस वाला ऐप है, लेकिन उसमें अगर आपने वायरस एक्चुअल में रिमूव नहीं करता है, लेकिन सिंपली एक गाइड दिया है कि एक्सप्लेनेशन दिया है कि भाई वायरस कैसे रिमूव किया जाता है, एक आर्टिकल लिखा हुआ है, एक टेक्स्ट गाइड है, तो उस टाइप का ऐप आप लिख नहीं सकते हैं कि वो एंटीवायरस वाला ऐप है। तो आप लोग डिटेल्स लिख सकते हैं कि गाइड टू एंटीवायरस, ऐसा हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट एंटीवायरस वाला ऐप नहीं लिख सकते। इससे क्या होता है, वो एक टाइप का मिसलीडिंग होता है यूजर्स को कि भाई हाँ इससे वायरस रिमूव होगा, लेकिन देखा जाएगा तो उसका अंदर वायरस रिमूव करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड यहाँ पे जैसे भी और एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपका ऐप्स में लिखे हैं कि भाई वो रेसिंग ऐप है, उसका डिस्क्रिप्शन हो या स्क्रीनशॉट भी सेम दिख रहा है, लेकिन वो एक टाइप का पजल गेम है, जैसे कि बता रहा है कि एक पिक्चर सिंपल दिया गया है कार को, तो उस टाइप का ऐप रेसिंग लिखा है मतलब गाड़ी रेस होना चाहिए, गाड़ी मूवमेंट होना चाहिए, है ना, तो इस टाइप का ऐप को वो अलाउड नहीं करेगा, रिमूव कर देगा या आपका ऐप को रिजेक्ट कर देगा। तो घुमा फिरा के बात ये है कि आप अपना ऐप को ऐसा रिप्रेजेंट करो कि भाई किसी को हानि ना हो, किसी को मतलब क्लियर रहे कि भाई डिस्क्रिप्शन से लेकर आपका जो भी ऐप्स का फंक्शन है वो सारी चीज़ आप क्लियरली लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा आपका रिव्यू आने के लिए या व्यू आने के लिए, डाउनलोड्स आने के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। घुमा फिरा की बात ये है। तो आप लोग टाइटल से लेकर, आइकन से लेकर, आपका स्क्रीनशॉट से लेकर, आपका जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सारे चीज़ में आपका प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो आपका एप्स रिजेक्टेड या रिमूव भी हो सकता है। ये मेन चीज़ था आपका मिसलीडिंग क्लेम्स में, ठीक है। एंड और भी एक अपडेट आया है मेटा डाटा के लिए, मतलब आपका जो डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिखते हैं वहाँ पे
किसी यूजर का मतलब रिव्यू लाकर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। आप अपना एप्स का बारे में लिख सकते हो, लेकिन रिव्यू बनकर डायरेक्ट कि हाँ ये ऐप अच्छा है, इससे ये होता है, ये बहुत अच्छा कुछ काम करता है, तो इस टाइप का जो कमेंट्स आता है मतलब रिव्यू का जो हम लोग रेटिंग देकर लिखते हैं, तो उस टाइप का आप लोग लाकर ऐसा नहीं लिख सकते, समझ गए। एंड आपका एप्स का अंदर में जो भी टेक्स्ट है वो मतलब अप्रोप्रिएट होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए, या मतलब गलत चीज़ नहीं होना चाहिए। इमेज, फोटो, वीडियो, सारे चीज़ में आपका ज़्यादा करके मतलब सेक्सुअल कंटेंट अगर डालेंगे या कुछ ऐसा दिखाने के लिए तो वो ऐसा नहीं चलेगा। तो घुमा फिरा के बात यह है कि प्रॉपर होना चाहिए, गाली वगैरह नहीं होना चाहिए, ऐसा वार्निंग देना चाहिए कि भाई लोगों को समझ में आए। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस के लिए लिखा है कि आप अपना एप्स के बारे में हाईलाइट करिए एंड उसका जो इंटरेस्टिंग थिंग है या कोई फैक्ट्स है उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखिए। तो उस टाइप का मतलब डिस्क्रिप्शन में एक्यूरेसी उसका एग्जैक्ट होना चाहिए, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड यहाँ पे भी और एक चीज़ को याद रखना पड़ेगा, जैसे आपका एप्स में लो क्वालिटी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर डिजाइन होना चाहिए। एंड दूसरी बात चीज़ ये है कि आपका मैसेज या एप्स ऑटोमेटिक भेजना नहीं चाहिए, या किसी ऐप को दूसरा डाउनलोड नहीं होना चाहिए आपका एप्स के अंदर में, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो और एक ऑप्शन है एड नेटवर्क क्लारिफिकेशन जो सर्टिफिकेशन लिखा है, तो इससे क्या है ज़्यादा करके आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मैंने बताया था कि आपका एक वीडियो में कि 18 साल से ऊपर अगर आपका ऐप्स को टारगेट कर देते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, अगर 18 साल से नीचे करते हैं फेसबुक ऐड में भी प्रॉब्लम आ सकता है, ये इसमें बताया गया है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बताया क्योंकि आप लोग यहाँ पे लिखा है कि डेवलपर कैन फाइंड द लिस्ट ऑफ सर्टिफाइड एड नेटवर्क, मतलब गूगल के हिसाब से कौन सर्टिफाइड नेटवर्क्स है एड नेटवर्क, जहाँ पे यहाँ पे फेसबुक का लिस्ट नहीं है। यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ ये वाला साइट निकला, तो यहाँ पे ऐसे लिख रहा है कि भाई यहाँ पे फेसबुक ऑडियंस का नहीं दिया है, बाकी सारे चीज़ का दिया हुआ है। ये इसलिए है, फेसबुक का जो एड्स आता है थोड़ा सा क्या बोलते हैं बच्चों लोगों के लिए नहीं होता है, तो यहाँ से इसी वजह से बताया गया है कि यहाँ पे हम लोग उसको कस्टमाइज नहीं कर पाते। तो फेसबुक का अगर आप लोग एड्स यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमेशा याद रखिए कि 18 साल का ऊपर वाला चुनना पड़ेगा या 13 साल का ऊपर वाला चुनना पड़ेगा। जैसे आप लोग ऐप प्ले स्टोर में पुलिस करते हैं वहाँ पे एक ऑप्शन है, उसका ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया गया है, समझ गए। तो उम्मीद है इस वीडियो से मैंने सारा चीज़ कवर कर लिया होगा, तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।